सनसनी ऑफ इंडिया। बालाजी मंदिर घूमने गए एक वकील के घर का ताला तोड़कर कीमती सामान और बैंक डेबिट कार्ड चोरी करने वाले चोर को द्वारका पुलिस ने चोरी हुए डेबिट कार्ड की मदद से 24 घंटे के अंदर धर दबोचा है। चोर की पहचान न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ दिल्ली निवासी 23 वर्षीय सौरभ उर्फ भोलू के रूप में हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी की 6 वारदातें सुलझ गई हैं। आरोपी के पास से चोरी किया घर का सभी कीमती सामान, चोरी की एक बजाज पल्सर बाइक और एक लोहे की छेनी बरामद हुई है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि थाना छावला में दिनांक 20 फरवरी 2022 की सुबह लगभग 4 बजे चोरी की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। ये जो कॉल थी ये 19-20 की थी, फरवरी की 4 बजे सुबह की कॉल थी। ये कॉलर एक वकील है पेशे से, मिस्टर शर्मा। इन ये मेहंदी बालापुर जी गए हुए थे दर्शन करने के लिए और इनके घर पे ताला लगा हुआ था। मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट। मैं 19 तारीख को हम यहाँ से बालाजी गए हुए थे और जब वहाँ पे वापस आए हम यहाँ से तो हमारे गेट का ताला कटा हुआ मिला हमें और घर का जो सामान था सारा वो चोरों ने चोरी किया यहाँ पे। और जब हम आए तो सारा को सब कुछ बिखरा हुआ मिला हमें। मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने कॉल करके बताया कि वो अपने परिवार के साथ बालाजी मंदिर घूमने गए थे। वापस आकर देखा तो उनके मकान नंबर RZ63 रोशनपुरा विस्तार का किसी ने ताला तोड़कर सभी कीमती सामान के साथ बैंक डेबिट कार्ड भी चोरी कर लिया है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी का द्वारका जिले में ऑपरेशन वर्चस्व के तहत क्रिमिनलों को क्लियर मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोर को जल्द से जल्द दबोचने के लिए डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने विजय सिंह एसीपी ऑपरेशन द्वारका की सुपरविजन व इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व एएसआई सुरेंद्र, सत्येंद्र, राजेश, हेड कांस्टेबल सोनू, अमित, राजेश, देवेंद्र, कांस्टेबल अरविंद, मनोज और विनीत की एक टीम का गठन किया। काफी अच्छा एक्शन हुआ पुलिस का और एसीपी विजय यादव जी एसीपी, उन्होंने खुद ने इसको हैंडल किया। उनकी टीम ने पूरा इसको ऑपरेट किया और वो खुद भी यहाँ आए थे। यहाँ आकर के उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और सारी टीम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो किया। मेरा केस तकरीबन 24 घंटे के अंदर उन्होंने सॉल्व कर दिया केस को। वो पकड़े भी गए हैं, मेरा सारा सामान जब्त भी हो गया। तो मैं तक ऐसा बोल उनको थैंक बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया। और शायद ही मुझे इतना गर्व हुआ अपनी दिल्ली पुलिस के ऊपर और अपने एसीपी साहब के ऊपर कि उन्होंने मेरे केस को बहुत जल्दी सॉल्व किया। सर बहुत अच्छा लगा मेरे को कि ऐसा, मैंने मतलब दिल से मेरे को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ उनको, उनकी टीम को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला लेकिन गली में आसपास अंधेरा होने की वजह से आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी। जांच टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया, चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों का डाटा स्कैन किया। जांच टीम को पीड़ित से पता चला था कि चोर उसके एसबीआई बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी चोरी करके ले गया है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी को पूरा शक था कि चोर चोरी किए डेबिट और क्रेडिट कार्ड को जरूर इस्तेमाल करेगा। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी की सुपरविजन में विजय सिंह एसीपी ऑपरेशन ने पीड़ित के बैंक से संपर्क कर चोरी हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाली किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से अलर्ट करने को कहा। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी का शक सही निकला। चोर ने राव ऋषाल सिंह मार्ग पर एक दुकान से चोरी हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदने की कोशिश की लेकिन चोर के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं था, इसलिए ट्रांजैक्शन फेल हो गई। ट्रांजैक्शन फेल का एक मैसेज डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी और एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह के पास भी पहुंचा। ट्रांजैक्शन राव ऋषाल सिंह मार्ग की एक दुकान से हुआ था। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी आरोपी को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। टीम ने तुरंत राव ऋषाल सिंह मार्ग पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले लोगों की जाँच शुरू कर दी। तभी बाइक पर एक सस्पेक्ट आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर सस्पेक्ट ने बाइक से यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने दौड़कर सस्पेक्ट को दबोच लिया। सस्पेक्ट की पहचान मकान नंबर 237 जेड ब्लॉक न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ निवासी 23 वर्षीय सौरभ उर्फ भोलू पुत्र राजेश के रूप में हुई। तलाशी लेने पर आरोपी की जेब से वकील के घर से चोरी किए 2 एसबीआई बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने वकील के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की।
और मैं डीसीपी द्वारका का और उनकी टीम का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और पूरे दिल्ली पुलिस को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, हमें अपनी दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत गर्व है। और डीसीपी द्वारका जी जो जिन्होंने टीम यहाँ ऑपरेट किया था उन्होंने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया, एक बस थैंक्स कहना चाहता हूँ पूरी टीम को। इस पर ना ही हम तुरंत ये कोशिश करते हैं कि तुरंत आयोग पहुंचे, नक्शा मौका बनाए, लीड्स तैयार करे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस केस को वर्कआउट किया जाए। उनकी जो वहां पर पहुंच है, मौजूदगी है, इसको इंश्योर कराया जा रहा है कंट्रोल रूम के द्वारा। एक सीट बनाई गई है कि पहले तो कोई भी बर्गलरी, कोई भी हाउस थेफ्ट की कॉल हो, हमारी पीसीआर का हमारी जो एमपीवी गाड़ियां हैं तुरंत पहुंचे, आईओस तुरंत पहुंचे, ताकि लोगों में ये संतोष की भावना हो कि एक नॉर्मल चोरी भी तुरंत अटेंड की जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर वकील के घर से चोरी किया सोने का हार, एक जोड़ी सुनहरी चूड़ी, एक जोड़ी चांदी की पायल, 5 चांदी के सिक्के, राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड का 1 रजत पदक, SBI बैंक के 2 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 1 मैक्सिमा कलाई घड़ी, 1 लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, 1 जियो मोबाइल फोन, 1 बोट हेडफोन, 1 सैमसंग ईयरफोन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, स्मार्ट LED टीवी 51 इंच काले रंग का, वुडलैंड पास थाना छावला इलाके से चोरी की 1 बजाज पल्सर बाइक और 1 लोहे की छेनी बरामद हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी से थाना छावला और थाना नजफगढ़ के चोरी के 3-3 कुल 6 मामले सुलझ गए हैं। आरोपी 23 वर्षीय सौरभ उर्फ भोलू पुत्र राजेश मकान नंबर 237 जेड ब्लॉक न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ में रहता है। यह 8वीं पास और अविवाहित है। यह नशे का आदि है और किराए पर अपने माता पिता के साथ रहता है। इसके पिता सब्जी विक्रेता है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। द्वारका जिला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानूंगा हासिल की है। इस पर जो मुख्यतः काम किया है वो ऑपरेशंस यूनिट के ACP विजय सिंह के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर जो ATS के हैं कमलेश कुमार मीना साहब और इंस्पेक्टर क्लीन द्वारका सेल के रामकिशन यादव जी, और इनके साथ जो SI विकास हैं ASI सुरेंदर, हेड कांस्टेबल सोनू, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। इनके अलावा भी जो इनके पूरे टीम है जो मेरे साथ खड़ी है, इन्होंने भी अपने अपने योगदान दिए हैं। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।